नमस्कार, मैं हूँ गीता गुप्ता। एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधान परिषद का होगा द्विवार्षिक चुनाव। कोकण विभाग शिक्षक मतदान संघ में 3 फरवरी को होगा चुनाव। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय से 2015-16 में दाखिल हुई व खुलासे में गुने की मिली जानकारी, तो यातायात संदर्भ पर गुने पर किए गए विश्लेषण। अब शहर के सिग्नल पर लगाए गए हैं इमरजेंसी कॉल बॉक्स। नवी मुंबई यातायात विभाग द्वारा उपलब्ध हुई सेवा। आरटीओ इंस्पेक्टर 1000 पद भरेंगे। अभियांत्रिक के लिए परिवहन विभाग में नौकरी की स्वर्ण संधि। महाड़ा वासियों को 450 वर्ग फुट मिलेंगे क्षेत्र। शुक्रवार के दिन पत्रकार परिषद के द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद के कोकण विभाग शिक्षक मतदान संघ में 3 फरवरी को चुनाव होगा, ऐसी जानकारी दी गई है। शुक्रवार के दिन एक पत्रकार परिषद के द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद के कोकण विभाग शिक्षक मतदान संघ में 3 फरवरी को चुनाव होगा, ऐसी जानकारी मिली। महाराष्ट्र विधान परिषद की द्विवार्षिक चुनाव होगा। कोकण विभाग शिक्षक मतदान संघ में 5 जिले में 4 जनवरी 2017 से आदेश यानी कि आचार संहिता लागू होगी। कोकण विभाग शिक्षक मतदान संघ में थाने, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये 5 जिले का समावेश है, जिनमें कुल 37,666 चुनाव होंगे और 58 मतदान केंद्र है। इस संदर्भ पर अधिक जानकारी निर्णय अधिकारी प्रभाकर देशमुख इन्होंने दी। जी का आचार संहिता निवडणुकीच्या संबंधाने जाहीर केलेला आहे, त्याचंही आम्ही सगळ्यांना माहिती उपलब्ध करून दिलेली आहे। 10 तारखेपासून जे जे उमेदवार याच्यामध्ये अर्ज भरतील त्यांनाही माहिती उपलब्ध करून दिली जाईल। याचं नोटिफिकेशन 10 तारखेला केलं जाईल। की आचारसंहितेचं स्पेसिफिक ज्या सूचना आहेत त्या 26 डिसेंबर 2016 पत्रानं निवडणूक आयोगाने सर्वांना कळवलेल्या आहेत। त्यासाठी आले तर त्याच्याबरोबर बैठक घेतली असं व्हायला नको। निवडणुकीचा दौरा म्हणून तो राहिला पाहिजे आणि जे काही हे वापरलं जाईल तिथल्या निवडणुकीच्या पिरियडमध्ये टेस्ट हाऊस वापरलं जाईल किंवा इतर काही संस्थाचं वापरलं जाईल ते निवडणुकीसाठी म्हणून त्यांनी परवानगी काढून वापरावं, ते वापरू शकतो। पूर्वनियोजित दौऱ्याला ह्याच्या निवडणूक ह्याच्यामध्ये पण त्याचे रेग्युलर दौरे इलेक्शनच्या संबंधीनं किंवा इतर इलेक्शनच्या संबंधी नसलेल्या कामासाठी ते करू शकतात। ते काय कारण इलेक्शनमध्ये शिक्षकांच्या संबंधीनं जे कार्यक्रम आहेत ज्याच्यामध्ये अनाउन्समेंट आहे किंवा ज्याच्यामध्ये मेळावे आहेत किंवा ज्याच्यामध्ये उद्घाटन आहेत ते करता येणार नाही। मतदारांना कुठल्याही प्रकारची प्रलोभनं दाखवली जाऊ नयेत याच्यासाठी निवडणूक आयोगाने काही विशिष्ट अशा सूचना दिलेल्या आहेत। अशी प्रलोभनं देणं किंवा पैशाचा वापर करणं किंवा वेगळ्या प्रकारच्या वस्तूचा वापर करणं या निवडणुकीमध्ये कोणालाही अशा पद्धतीनं करता येणार नाही। असं केलं तर त्याच्यावरती त्या ठिकाणी चौकशी करून गुन्हे दाखल होतात। साहेबांनी आत्ता या ठिकाणी सांगितलं की या निवडणुकीबरोबर म्हणजे शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीबद्दल बरोबर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे आणि त्यासाठी त्यांनी आम्ही पण त्याची वेगळी पूर्वतयारी केली। पण त्या निवडणुका अजून जाहीर झाल्या नसल्यामुळं त्याच्याबद्दल आम्ही भाष्य केलं नाही। त्यासाठी आम्ही स्वतंत्रपणे तुम्हाला बोलवून त्याची डिटेल माहिती देऊ। पण पूर्वतयारी म्हणून आम्ही या दोन्ही गोष्टी विचारात घेतल्यात, कारण आपल्याकडं जिल्हा परिषदच्या निवडणुका सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड या ठिकाणी होत आहेत आणि त्याचबरोबर इतर ज्या निवडणुका महानगरपालिकेच्या आहेत त्या मुंबईच्या आहे, ठाणे आहे, उल्हासनगर आहे, याही ठिकाणी होत आहेत। त्यामुळे एका वेळेला त्यावेळेला शिक्षक मतदारसंघाच्या बरोबर इतरही निवडणुका होत आहेत आणि त्याचं आम्हाला आचारसंहितेची अंमलबजावणी करायची आवश्यकता आहे। पण ती आम्ही पूर्णपणे त्याची सर्व तयारी आम्ही केली आणि आम्ही चांगल्या पद्धतीने ती करू। कायदा और व्यवस्था के विषय पर जानकारी दी कोकण आईजी प्रशांत भुरडे। ही 3 फरवरी 2017 रोजी जाहीर झालेली आहे। याचबरोबर राज्य निवडणूक आयोगाकडून कोकण विभागातील जिल्हा परिषदा 5 जिल्हा परिषदा आणि 42 पैकी 30 पंचायत समित्या आणि 800 आसपास ग्रामपंचायती यांच्याही निवडणुका फेब्रुवारी महिन्यातच होण्याची शक्यता आहे, त्याची घोषणा कधी पण अपेक्षित आहे। आचारसंहिता केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाची पण आचारसंहिता जी आहे ते केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेवरच आधारित आहे। प्रशासनाला या निवडणुका भयमुक्त पारदर्शक पद्धतीनं पार करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर वेगवेगळ्या मोहिमा, अवैध दारू असेल,
किंवा अवैध शस्त्र असतील ते जप्त करण्याकरता वेगवेगळ्या मोहिमा राबवणं। अब 3 फरवरी को होने वाले चुनाव पर सभी की नजर बनी हुई है। जर्नलिस्ट प्रणति के साथ राज MVTV। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय से 2015-2016 में दाखिल हुई व खुलासे हुए गुने की मिली जानकारी, तो यातायात संदर्भ में गुने पर हुई बढ़ोतरी दर्ज, देखिए हमारी एक रिपोर्ट। नवी मुंबई शहर में गुने का आलेख 2015 और 16 में चढ़ता उतरता रहा। दिन प्रतिदिन गुने की संख्या बढ़ती रही। कुछ गुने पर आरोपी को पकड़ा गया तो कुछ गुने का खुलासा करने में पुलिस को कामयाबी मिली। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय द्वारा 2015 और 2016 साल में कितने गुने दाखिल हुए वो कितने का खुलासा हुआ, जिसके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी, बलात्कार आदि गुने में बढ़ोतरी हुई, तो खून, डकैती, ठगबाजी आदि गुने होने की जानकारी मिली। यातायात संदर्भ पे गुने 2015 में 2153 तो 2016 में 1884 गुने दाखिल हुए, तो ड्रिंक एंड ड्राइव केस में 2015 में 1111 हुआ, तो साल 2016 में 3269 यानी कि बढ़ोतरी दर्ज हुई है। साल 2015 में 4,48,00,000 तो साल 2016 में 6,07,00,000 रुपए महसूल के द्वारा प्राप्त हुई है। इस संदर्भ पर अधिक जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे इन्होंने दी है। 2016 में हमारी जो टोटल जो आउटपुट है, प्रोफेशनल आउटपुट, उससे हम लोग संतुष्ट हैं और ऐसा हम कह सकते हैं कि जितने भी चैलेंजिंग केसेस थे वो सारे के सारे सॉल्व किए गए हैं। जो हमारे प्राथमिकता वाले जितने भी एरियाज थे, जैसे चेन स्नैचिंग है, एक्सीडेंट्स हैं, ये सारे कम करने में हमको सफलता मिली है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। जैसे कि मोटर व्हीकल थेफ्ट, अगर आंकड़ेवारी का अगर हम टोटल एनालिसिस करें तो 5,405 केसेज जो है वो टोटल 2015 में रजिस्टर हुए थे। 2016 में ये आंकड़ा 4,901 का है, यानी कि टोटल इसमें कमी आई है। ये 600 गुने टोटल कम हो गए हैं और हमारा जो डिटेक्शन रेट है वो 67% से 70% में बढ़ा है। हमारा कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ पे अभी केसेस बढ़ गए हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल थेफ्ट है, वो एक बेसिक एरिया है, और एक दूसरा केस है किडनैपिंग का। किडनैपिंग में एक्चुअली वो टेक्निकली किडनैपिंग होती है, क्योंकि लोग अगर अपने 16 साल से कम के बच्चे अगर खुद अपनी इच्छा से भी निकल जाएं तो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से हमको वही केस दाखिल करना पड़ता है। बाकी अदरवाइज चेन स्नैचिंग के जो केसेज हैं, रॉबरी के केसेज हैं, या बाकी जो इधर चोरी के केसेज हैं, इसमें हमारा कमी आई है, ऐसा हम कह सकते हैं। 2015 और 2016 में गुने का आलेख बढ़ता चढ़ता सा गया, लेकिन नए साल में यंत्र तकनीकी दुरुस्त होने से उस पर कहीं ना कहीं कमी तो जरूर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत के साथ राज MVTV। नवी मुंबई यातायात पुलिस ने शहर के सिग्नल पर लगाए हैं इमरजेंसी कॉल बॉक्स। आपातकालीन समय पर आम नागरिक इस बॉक्स का इस्तेमाल कर कंट्रोल रूम को कॉल कर घटना की सूचना दे सकते हैं। नवी मुंबई शहर में जैसे जैसे लोक संख्या बढ़ी वैसे वैसे वाहनों की संख्या में भी इजाफा हुआ। परिणाम अपघात बढ़ने लगे। कभी अपघात यातायात प्रभावित होने से हुए तो कभी यात्रा करते समय। इस दौरान मदद और कभी किसी की जान बचाने के लिए तुरंत मदद की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए नवी मुंबई यातायात विभाग के द्वारा शहर के सिग्नल पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए गए है। आपातकालीन समय पर कोई भी आम नागरिक इस बॉक्स के द्वारा कंट्रोल रूम को कॉल कर घटना की जानकारी दे सकता है। इस पर आम नागरिकों ने अपनी राय बताई। जर कुठे ॲक्सिडेंट वगैरे झालं त्याची तात्काळ माहिती मिळावा यासाठी चांगला उपक्रम, आणि कुठल्याही ॲक्सिडेंटमधून मदत झाली तर एखाद्याचा जीव वाचू शकेल त्यासाठी हा उपक्रम चांगला वाटतो मला। हा एकदम चांगला आहे, आणि कसं आहे माहिती ॲक्सिडेंटनी झालं की लोकांनी लगेच माहिती होतं आणि पोलीस स्टेशनला पण लगेच माहिती होणार आहे। त्याचं हे उपकरण जो बसवलं आहे ते एकदम चांगलं आहे पब्लिकच्या उपयोगासाठी। अपघात झाल्यानंतर आपण कॉल करू शकतो ना, त्याच्यावरनं डायरेक्ट माहिती देऊ शकतो। समजा अनोळखी कोण माणसं असेल त्यांना माहिती देऊ शकतो आपण। ये व्यवस्था नवी मुंबईकरों को मिलने से होने वाले अपघात परिस्थिती से जल निपटा जा सकेगा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रणिती के साथ राज MVTV। परिवहन विभाग में सहायक मोटर वाहन निरीक्षक पद की केवल मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है, जिसके लिए सभी ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इसके लिए RTO इंस्पेक्टर का 1000 नए जगहों की शासन ने घोषणा की है।
परिवहन विभाग में सहायक मोटर वाहन निरीक्षक के पद की केवल मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है, परंतु नियम के अनुसार हल्के मोटर वाहन व गैर ऐसे मोटरसाइकिल वाहन चालकों को परमिट आवश्यक है। शासन के नए नियम के अनुसार आवेदन करते समय अनुभव होना आवश्यक है, जिसके लिए सभी ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के लिए RTO ने इंस्पेक्टर की 1000 नई जगहों की भर्ती की घोषणा की है। MPSC के लिए जल्द परीक्षा होगी। अधिक जानकारी के लिए युवा वर्ग RTO कार्यालय व ड्राइविंग स्कूल से संपर्क कर सकते हैं, ऐसा आह्वान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। महाड़ा उपनिवेशक पुनः विकास को जलगति में लाने के लिए स्थानिकों को अब 300 की बजाय 377 वर्ग फुट कारपोरेट क्षेत्र यानी कि 35% FSI मिलेगा। महाड़ा उपनिवेशक रहवासियों को 450 से लेकर 460 वर्ग फुट कारपोरेट क्षेत्र के घर भी उपलब्ध होंगे। राज्य शासन ने महाड़ा औपनिवेशिक पुनर्विकास के मार्ग को मुक्त करने के बाद अब 2000 वर्ग मीटर से कम जगहों पर कोई भी प्रकार के निर्माण को कर महाड़ा को देना जरूरतमंद न होते हुए विकास के लिए अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध होंगे। परिणाम विकास पुनर्विकास के काम में गति आएगी। 4000 वर्ग मीटर से अधिक जगहों पर अतिरिक्त FSI देकर निर्माण विभाजन कर किया जाएगा। इस निर्माण की कीमत महाड़ा से मिलेगी। परिणाम इस नए नियम का स्वागत है। महाड़ा औपनिवेशिक पुनर्विकास जल गति में होना अपेक्षित होते हुए स्थानिकों को अब 300 की बजाय 377 वर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल यानी कि 35% FSI मिलेगा। महाड़ा औपनिवेशिक रहवासियों को 450 से 460 वर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल के घर उपलब्ध होंगे, ऐसी जानकारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। शहर में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए व्यापक नीति भी आवश्यक है। शहर में जल पार्किंग की समस्या को हल नहीं किया जाए तो शहर में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए व्यापक नीति भी आवश्यक है। शहर में जल पार्किंग की समस्या को हल नहीं किया जाए तो आगामी 5 सालों में स्थिति और भयंकर होगी, ऐसी सूचना उच्च न्यायालय ने मनपा को दिया है। शहर में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए व्यापक नीति भी आवश्यक है। उच्च न्यायालय के सूचना के अनुसार जल पार्किंग की समस्या को हल नहीं किया जाए तो आगामी 5 सालों में स्थिति और भयंकर होगी। फुटपाथ पर चलने के लिए जगह नहीं होगी, ऐसी सूचना उच्च न्यायालय ने दिया है। फाटक का जगह पार्किंग के लिए किया जाए, कौन से रास्ते पर पार्किंग व कौन से रास्ते पर करनी है, जिसके लिए किस तरह का वर्गीकरण किया गया है, क्या मनपा के पार्किंग संदर्भ पर व्यापक नीति अस्तित्व में है या नहीं, ऐसे प्रश्न मुंबई मनपा से की गई है। पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए व्यापक नीति आवश्यक है, जिससे यातायात प्रभावित नहीं होंगे और वाहन सुरक्षित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। आज के समाचार में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए MVTV।